नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कोरोना को लेकर पिछले दो महीने से चीन में और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब तो भारत में भी कोरोना दाखिल हो चुका है। भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत की पुष्टि हो गई है। कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में दो दिन पहले कोरोना के जिस संदिग्ध बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हुई थी, उसके नमूने की जांच में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इससे देश में कोरोना से कुल संक्रमित मामलों की संख्या 76 हो गई है। जानकारी के मुताबिक दुनिया के 124 देश कोरोना की चपेट में हैं और कुल 1,26,367 लोग कोरोना से संक्रमित है। दुनिया भर में अब तक 4,633 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल 68,304 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। चीन, ईरान और इटली में महामारी बने कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी महामारी घोषित कर दिया है। भारत ने कोरोना वायरस के मद्देनजर विदेश से आने वाले लोगों का वीजा 15 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इस प्रतिबंध से राजनयिकों, अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी। यह प्रतिबंध 13 मार्च 2020 से ही लागू हो जाएगा। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले एक महीने के लिए यूरोप से अमेरिका की भी सभी यात्राओं पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि यूके को इस रोग से अलग रखा गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 38 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1300 लोग इससे संक्रमित बताए जा रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस में अपने ओवल ऑफिस से राष्ट्र को दिए गए एक संबोधन में ट्रंप ने कहा कि नया नियम शुक्रवार आधी रात से लागू होगा। उन्होंने कहा कि कई स्क्रीनिंग के बाद अमेरिका लौटने वाले अमेरिकियों के लिए छूट होगी। ट्रंप ने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने वैसे तो एहतियाती कदम उठाने में कोताही बरती, जिसे अमेरिकी प्रशासन ने उठाया। आइए अब आपको बताते हैं इस खतरनाक वायरस से दुनिया के किस देश में कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस वायरस से चीन में 3,169 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं इटली में 827 लोगों की और ईरान में 354 की मौतें हो चुकी है, तो वहीं दक्षिणी कोरिया में 66 लोगों की और फ्रांस में 48 लोगों की, अमेरिका में 38 और स्पेन में 55 और जापान में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। स्विट्जरलैंड में 4 और जर्मनी में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन से निकले इस जानलेवा वायरस का जिस तरह अभी तक इलाज नहीं मिला है, उसी तरह इस वायरस के रहस्य को भी अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। लिहाजा इस वायरस की तह तक पहुँचना बेहद जरूरी है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर कोरोना जैसा खतरनाक वायरस कब, कैसे और कहां से आया। जानकारी के मुताबिक चीन की वुहान लैब में इबोला निपाह सोर्स और दूसरे घातक वायरसों पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप में एक अजीब सा वायरस नोटिस कर रहे थे। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके जेनेटिक सीक्वेंस को गौर से देखने पर पता चल रहा था कि ये चमगादड़ के करीबी हो सकते हैं। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि इस वायरस में वो सोर्स वायरस के साथ समानता को देख पा रहे थे, जिसने 2002 से 2003 में चीन में महामारी ला दी थी और दुनिया भर में 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस वक्त भी ये बताया गया था कि सोर्स छूने और संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से फैलता है, लेकिन तब चीन इस वायरस को छुपा ले गया था। अब इस वायरस के शुरुआती लक्षण दिसंबर में मिलने शुरू हो गए थे। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में वुहान की सीफूड मार्केट के इर्द गिर्द रहने वाले कई लोग बुखार से पीड़ित होने शुरू हो गए। इनके टेस्ट के लिए सैंपल लैब में भेजे गए, जिसके बाद ये सैंपल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब के पास पहुंचे। यहाँ वैज्ञानिक के माइक्रोस्कोप जो उन्हें दिखा रहे थे, वो आने वाले जानलेवा ग्लोबल खतरे का संकेत था। मगर चीनी अधिकारियों ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बदनामी और अफरा तफरी के माहौल से बचने के लिए खामोश करा दिया। डॉक्टर ली वेनलियोंग के अस्पताल में स्थानीय सी फूड मार्केट से करीब 7 मरीज पहुंचे।
ये वही डॉक्टर ली वेलियोंग थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार इस जानलेवा वायरस से आगाह कराया था। बहरहाल इन मरीजों के लक्षण देखकर ही डॉक्टर ली को समझ में आ गया कि ये सभी के सभी किसी अनजान घातक वायरस के शिकार हो गए हैं। उन्होंने फौरन इस बीमारी के बारे में दूसरे डॉक्टर को अलर्ट किया और इस वायरस के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। इतना ही नहीं, इस बारे में उन्होंने वीचैट ऐप पर अपनी मेडिकल कॉलेज के एलुमनी ग्रुप में भी जानकारी दी और सबको, अपने जानकारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसके बारे में आगाह करने के लिए कहा। लेकिन कुछ ही घंटों में उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया, जहां नए साल के जश्न में दुनिया और चीन डूबे थे और ठीक उनकी नाक के नीचे ये वायरस लगातार फैलता जा रहा था। 7 से 14, 14 से 21 और 21 से 42 होते चले गए। ये तादाद हजारों तक पहुंच गई, मगर चीन इस पर रोकथाम के बजाय इस जानलेवा बीमारी को दुनिया से छुपाने में ही लगा रहा। अंग्रेजी नए साल के बाद आया चीनी नया साल। अफरा तफरी से बचने के लिए चीन ने इस जानलेवा वायरस की खबर को सामने तो नहीं आने दिया, मगर अंदर ही अंदर वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब में इसकी जांच चलने लगी। यूं भी इस लैब में पिछले कई सालों से चमगादड़ों के फैलने से वाली बीमारियों पर रिसर्च चल रही थी। ये रिसर्च इसलिए थी क्योंकि ना सिर्फ वुहान और आसपास के इलाकों में चमगादड़ों की तादाद ज्यादा थी, बल्कि चमगादड़ों और दूसरे तमाम जानवरों का मांस खाने और सूप पीने का चलन भी जोरों पर चल रहा था। और अब तक की जांच में ये तो साफ हो रहा था कि हो ना हो ये जानलेवा वायरस इन्हीं चमगादड़ों से ही फैला है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की स्टडी के डेटा भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। डॉक्टर ली वेलियोंग इस बीच लगातार अपने डॉक्टर साथियों और लोगों को इस जानलेवा वायरस से ना सिर्फ आगाह कर रहे थे, बल्कि पीड़ितों को आइसोलेशन वार्ड में रखकर अपने तौर पर इलाज भी कर रहे थे। इस बीच ये खबरें चीन से निकलकर दुनिया तक पहुंचने लगी। चीन ने भी अब तक मान लिया कि उनके मुल्क को कोरोना नाम की एक महामारी ने जकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ चीनी सरकार ने 34 साल के डॉक्टर ली के वायरल हो चुके कोरोना वायरस से आगाह कराने वाले मैसेज का संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजकर जवाब मांगा, मगर डॉक्टर ली की परेशानियां यही खत्म नहीं हुई। इसके फौरन बाद उन पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा दिया गया और उन्हें लिखित में माफी मांगनी पड़ी। इस बीच वुहान और आसपास के इलाकों के साथ साथ पूरा चीन जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुका था और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अचानक खबर आई कि कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले डॉक्टर ली की मौत हो गई है। बताया गया कि डॉक्टर ली 12 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थे और 30 जनवरी को पता चला कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। चीन ने कहा कि उन्हें बचाने की कोशिशें हुई लेकिन बचाया नहीं जा सका। वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि डॉक्टर ली की मौत 7 फरवरी की रात करीब 2:58 पर हुई। बताया गया कि उन्हें कफ और बुखार था। हालांकि सरकार विरोधी गुटों का ये मानना था कि चीन ने उन्हें इस महामारी का खुलासा करने की सजा दी है। ये खबर इसलिए भी हावी हुई क्योंकि शुरुआत में चीन के 20,000 कोरोना पीड़ितों को मार देने के लिए सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट में अर्जी देने वाली खबर भी आई थी, मगर ये दोनों ही खबरें कंफर्म नहीं हो सकी। लेकिन चीन में जो कंफर्म हुआ वो था दुनिया में अब तक का सबसे जानलेवा वायरस के सामने आने का सच, जो अब तक देखते ही देखते हजारों लोगों को अपनी चपेट में लेकर बेमौत मार चुका था। आइए अब आपको बताते हैं कोरोना वायरस के लक्षण क्या है और इसके बचने के उपाय क्या है। कोरोना वायरस 2019 के लक्षण शुरू में नहीं दिखाई देते, फिर यह अचानक से अपने लक्षण दिखाता है। शुरुआती संकेत के रूप में सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, खांसी या जुखाम भी हो सकता है। इसमें खास बात यह है कि हर कोरोना वायरस नुकसानदेह नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सामान्य कोरोना वायरस की चपेट में आ जाता है तो 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इसके लक्षण ज्यादा बढ़ जाए तो रोगी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यह वायरस फेफड़ों को गंभीर रूप से खराब कर देता है। कोरोना वायरस से बचने के उपाय हैं
कि आप दिन में कई बार साबुन से हाथ को धोएं, हाथों से आंख, नाक और मुंह को बार बार ना छुएं, शरीर की इम्यूनिटी को बरकरार करने वाली चीजों का सेवन करें, खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक कर रखें, खांसी बुखार और जुकाम के लक्षण होते ही डॉक्टर के पास जाएं, सांस की तकलीफ से ग्रसित मरीज के पास जाने से बचें, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के फौरन बाद पालतू या जंगली जानवरों से दूर रहें, कच्चा या अधपका मांस ना खाएं, नियमित रूप से साफ सफाई का ध्यान दें, इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मी मास्क या दस्ताने का इस्तेमाल लाएं, खांसी बुखार के वक्त यात्रा से परहेज करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।